नमस्कार, आप देख रहे खबरों की दीवार थिजीवाल में। मनोज जायसवाल उस वक्त मौजूद हूँ राजधानी रायपुर में। जैसा कि आपको मालूम है, अब लोकसभा चुनाव लगभग लगभग करीब आ चुके हैं और चुनावी सरगर्मियां भी तेज हो चुकी है। लोकसभा चुनाव के पहले विधानसभा जो चुनाव हुए थे उसमें कई छोटे छोटे मुद्दे थे, जिसमें कर्मचारियों के बहुत सारे मुद्दे थे। मैं इस वक्त छत्तीसगढ़ के सबसे वरिष्ठ और कद्दावर मंत्री श्री बृजमोहन अग्रवाल के घर के सामने खड़ा हुआ हूँ, और बृजमोहन अग्रवाल के घर के सामने लगभग मैं 2-3 घंटे से देख रहा हूँ कि कई कर्मचारी संगठन के लोग या पदाधिकारी अलग अलग जिलों से, अलग अलग समूहों से यहाँ पर आ रहे हैं। ठीक वैसे ही जो मेरे साथ अभी खड़े हुए हैं, ये भी शिक्षक है और ये नियमित शिक्षक है, ये भी अपनी मांग को लेकर आए हैं। इनकी भी बहुत कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं, छोटी सी समस्या है। क्या समस्या है, इनसे ही चर्चा करते इन्हीं की जुबान। सर, अपना नाम बताएंगे? मेरा नाम सुशांत धराई है, मैं प्रांत अध्यक्ष हूँ छत्तीसगढ़ प्रदेश नियमित सर्व शिक्षक फेडरेशन का। जैसा कि आप जानते हैं, 2019 और 2023 में दो शिक्षक भर्ती हुई, लगभग 23,000 नियमित शिक्षकों की भर्ती हुई। 23,000 एक साथ हुई कि आगे पीछे हुई? दो भर्तियाँ हुई है, दो, एक भर्ती 2019 में हुई, एक भर्ती 2023 में हुई। एक में 14,580 शिक्षकों की भर्ती हुई, एक बार 11,489 या लगभग जो बस्तर सरगुजा में हुई। तकलीफ यह हुई कि जो इससे पहले कांग्रेस सरकार थी उनके द्वारा हमारे ऊपर एक काला कानून स्टाइपेंड के रूप में सौंपा गया। हमको तो आज तक इस बात की हमको समझ में नहीं आई कि हम प्रशिक्षित, हम डीएड किए हैं, बीएड किए हैं, उसके बाद टेट की परीक्षा पास किए हैं, उसके बाद हम शिक्षक बने, उन्होंने क्या सोच के हमारे ऊपर स्टाइपेंड दिया। और इस स्टाइपेंड लाने के बाद उन्होंने जो परीक्षा अवधि थी उसको 2 वर्ष से 3 वर्ष कर दिया। हमको पहले प्रथम वर्ष में 30% की कटौती, दूसरे वर्ष में 20 और तीसरे वर्ष में 10% की कटौती की गई हमारे तनख्वाह में। हम सरकार बदलने के बाद आज माननीय शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल जी के आए हैं, प्रार्थना करने आए हैं, निवेदन करने आए हैं कि हम उन्हीं के छोटे छोटे बच्चे पूरे प्रदेश के कोने कोने में जो अपनी सेवाएं दे रहे हैं, हमारी कुछ मांगों में मांगे, जो प्रमुख मांगे वो ये है कि जो काटी गई राशि है उसको एरियस के रूप में दिया जाए। उसके बाद हमारी जो दूसरी मांग है वो यह है कि अभी बहुत सारे साथियों का जो है परीक्षा कंप्लीट हो जाएगा, उनके नियमितीकरण का आदेश जारी किया जाए। 2 साल आपको भी परीक्षा अवधि में रहना है? 3 साल रहना हमको। इससे पहले जो सरकार थी, बीजेपी की सरकार, 15 साल तक उस समय पे 2 वर्ष का ही परीक्षा हुआ करता था। इस पूर्व सरकार में तीन कर दिया गया और हमारे वेतन को भी काटा गया। हम दूसरा ये मांग रखे, तीसरी मांग ये है कि बहुत अधिक संख्या में हमारे जो साथी हैं वो सहायक शिक्षक हैं, है ना। हम सहायक शिक्षक फेडरेशन के आदिनी बड़े भाइयों के साथ कदम से कदम मिलाकर लड़ने को तैयार हैं और हम चाहते हैं कि वेतन विसंगति भी दूर हो। चौथी चीज़ जो है वो है परीक्षा अवधि जो है वो 3 से 2 वर्ष किया जाए। उसके साथ एक और है कि देखिए, बहुत सारे साथी हैं जो यहाँ से 400-500 किलोमीटर दूरी में जो है नौकरी कर रहे हैं, तकलीफ होती घर से अलग रह के। तो ई और टी में जो एक वो है कि ई से टी में ट्रांसफर नहीं होता, टी से ई में ट्रांसफर नहीं होता, उसको किया जाए। यही सारी अभी तो आपको 3 साल भी नहीं हुए, फिर कैसे ट्रांसफर मिलेगा? नहीं नहीं, जो साथी दूर दूर हैं परीक्षा अवधि खत्म होने के बाद, उस मांग को अभी से करेंगे तो आने वाले समय में वो मांग पूरी होगी। यही थोड़ा सा दूरदृष्टि से सोचते हुए इस मांग को किया जा रहा है। क्या ये जो व्यवस्था है दूसरे राज्यों में है, केंद्र की सेवा में है कि स्टाइपेंड कटना या 3 साल की परीक्षा? देखिए, स्टाइपेंड उसका काटा जाता है जो अप्रशिक्षित होता है, ऐसी व्यवस्था कहीं पे भी नहीं है। इससे पहले मध्य प्रदेश में ये व्यवस्था थी, लेकिन जैसे ही वहाँ पे सरकार बदली, जो आधे समय में सरकार बदली, उन्होंने तुरंत उसको 2 वर्ष कर दिया और स्टाइपेंड को ख़त्म कर दिया। मतलब शिवराज सिंह की सरकार, शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार में। लेकिन हमारे यहाँ क्या हुआ, जब सरकार अंत पे आई, 1-2 महीने बचे थे, तब उन्होंने जो है स्टाइपेंड को वापिस लिया, जबकि हमारा लाभ वापिस लिया। मतलब स्टाइपेंड जो है उन्होंने जाते जाते खत्म करके गए वो। लेकिन हमारी जो मांग है वो यह है कि जो काटी गई राशि है उसको एरियस के रूप में दिया जाए। आप लोग को पेंशन का लाभ कैसा मिल रहा है, ओल्ड पेंशन की न्यू पेंशन? ओल्ड पेंशन है। हमको जो अप्रैल 2022 के बाद जिनकी नियुक्ति हुई है उन सभी को ओल्ड पेंशन मिल रहा है, उसके बाद के भी साथी हैं वो लोग भी ओल्ड पेंशन को ही चूज। मतलब आप लोगों ने विकल्प फॉर्म भरा? नहीं नहीं, हम अप्रैल 2022 के बाद जिनकी नियुक्ति हुई वो विकल्प फॉर्म नहीं भरे हैं, वो ऑटोमेटिक वो ओल्ड पेंशन को उनको लाभ मिल रहा है। तो बृजमोहन अग्रवाल जी से भी मिले, शिक्षा मंत्री से मिले, क्या कहा उन्होंने? अभी हमारी उनसे मुलाकात नहीं हो पाई है, समय लिए हैं, जल्द उनसे मुलाकात होगी और उम्मीद है कि वो हमारी जो मांगे हैं उनको सहानुभूतिपूर्वक वो चर्चा करके और सभी से ये करके हमारी मांगों को जल्द पूरे करेंगे। क्या चुनाव के पहले आप लोग मिले थे, चर्चा हुई थी पार्टी के नेताओं से, चर्चा हुई थी या फिर जो
कमेटी बनी थी, जो घोषणा पत्र समिति बनी थी, उनसे चर्चा हुई। हाँ, जहाँ जहाँ पे हम ज्ञापन दे सकते थे, जहाँ जिन जिन विधायकों तक हम पहुँच सकते थे उन तक पहुँच कर हमने ज्ञापन के माध्यम से अपनी परेशानी और व्यथा को बताया था। जैसे कि घोषणा पत्र में भी जो हमारा एक मुद्दा है सहायक शिक्षकों का, उसको भी मेंशन किया गया है। और जहाँ भी हम मिले थे चुनाव से पहले, वहीं सब सब जगह से हमको आश्वासन मिला था। क्या उम्मीद लग रही मंत्री जी से? जल्द हमारी मांगें पूरी होंगी, ऐसा उम्मीद है। उम्मीद है। क्या नाम है सर आपका? हेमंत साहू। क्या लग रहा है साहू जी आपको? अब उम्मीद तो कर सकते हैं, क्योंकि मोदी की गारंटी जो घोषणा पत्र ये लोग बनाए थे उसमें सहायक शिक्षकों की वेतन विसंगति को शामिल किए हैं, तो लगता है कि पूरा आप लोग की वेतन विसंगति भी है क्या? हाँ, मैं सहायक शिक्षक हूँ सर, 2019 भर्ती वाला। क्या वेतन विसंगति आप लोग की? जैसे वर्ग एक और दो में मात्र 3,000 का अंतर है जो बेसिक पे रहता है उसमें, और दो में, दो से तीन में सीधा सीधा 10,000 का अंतर है, तो यही विसंगति है जो मूल हम लोग का वेतन है। मतलब जो फेडरेशन लड़ाई लड़ रहा है उसका लाभ आप लोग को मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा, और हम लोग भी उनके साथ हैं लड़ाई में, ऐसा है। लड़ाई में साथ दिए मतलब? बिल्कुल बिल्कुल। ऐसा है कि जैसे हमारे बड़े भाई लोग हड़ताल करते हैं, चूंकि हम लोग परिवीक्षा अवधि में हैं तो हम लोग जा नहीं सकते, लेकिन इससे पहले भी उन अध्यक्ष महोदय से और सचिव महोदय से मुलाकात करके। सहायक शिक्षकों की संख्या कितनी होगी नई नियुक्ति में? अभी नई नियुक्ति में 5800 और लगभग 11,000। क्या नाम है सर? मेरा श्रवण साहू। कहाँ से आए हो आप? मैं बेमेतरा से हूँ। क्या उम्मीद ले, क्या मंत्री जी मांग पूरी करेंगे नहीं करेंगे? जी बिल्कुल, यही उम्मीद लेके हम यहाँ आए हैं कि हमारी शायद सरकार में भरोसा है। जी जी। तो ये हैं शिक्षक नेता और नए नियुक्ति वाले हैं। यहाँ पर भी एक बात समझ में आ रही, यहाँ पर भी सहायक शिक्षकों में वेतन विसंगति है। जो वेतन विसंगति चली आ रही है, वो वेतन विसंगति इनके साथ भी है। भारतीय जनता पार्टी अक्सर कहती है कि जब राज्य बनाने का श्रेय भारतीय जनता पार्टी को जाता, और भारतीय जनता पार्टी हमेशा कहती है हम ही ने बनाया है, हम ही संवारेंगे। अब देखते हैं कि जो सब ये जो शिक्षकों का पद था, शिक्षा कर्मी का पद था, इस पद को ख़त्म किया गया, संविलियन किया गया। उसके बाद संविलियन होने के बाद एक नई परिपाटी शुरू हुई, नियमित भर्ती शुरू हुई, जो नियमित भर्ती की संख्या लगभग 23,000 अब हो चुकी है। शिक्षा कर्मियों ने जो संघर्ष किया वो ये कैडर संघर्ष नहीं कर रहा, लेकिन ये कैडर आज उस चीज़ के लिए संघर्ष कर रहा है कि इनको जो स्टाइपेंड दिया गया, जो इनकी वेतन कटौती की गई, परिवीक्षा अवधि 3 साल की गई, उसमें इनको कहीं ना कहीं आर्थिक नुकसान जरूर हुआ, और उसके साथ सहायक शिक्षकों की वेतन विसंगति भी जुड़ी हुई है। फिलहाल आज बस इतना ही। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। सीजीवाल से मनोज जसपाल की रिपोर्ट। धन्यवाद।